मोहाली में सोमवार शाम करीब 7:30 पर खुफिया विभाग के मुख्यालय के बाहर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। धमाके की सूचना पाकर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की छानबीन में जुट गए। जानकारी के मुताबिक खुफिया विभाग के दफ्तर की 3री मंजिल पर रॉकेट जैसी कोई वस्तु आकर गिरी, जिससे धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में ऑफिस के कई शीशे भी टूट गए। हालांकि गनीमत रही कि इस ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं हुआ। यह ऑफिस सेक्टर 78 में है। ये एरिया काफ़ी पास माना जाता है। ऐसे में अगर हमला दिन के समय होता तो कोई लोगों की जान भी जा सकती थी। इस इमारत में पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों के दफ्तर हैं। साथ ही राज्य भर से लोग अपनी शिकायत को लेकर आते रहते हैं। पंजाब पुलिस के खुफिया दफ्तर पर जिस जगह हमला हुआ है उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल का कैंपस व मुख्यालय भी है। इसके अलावा भारतीय सेना के 9 साल में 150 से ज़्यादा जवाब देने वाला महाराज रणजीत सिंह संस्थान ही इस इमारत से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर कैडेट रहते हैं। पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच कई एंगलों पर कर रहे हैं। क्या इस मामले का उद्देश्य मात्र दहशत फैलाना था या फिर नुकसान करना था? मोहाली के सेक्टर 78 में इस इमारत के पास ही वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायाधीशों का भी निवास स्थान है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से इलाके के लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। पुलिस वाले भी पहलू पर काम कर रहे थे। हालांकि पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। इस वारदात के पीछे जो भी लोग होंगे वे जल्द ही पकड़े जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवत मान ने माहौली ब्लास्ट को लेकर सख्ती से एक्शन लेते हुए पुलिस अधिकारियों से मीटिंग की है। मीटिंग में DGP, ADGP, IG और ASP समेत सभी बड़े अधिकारी बुलाए गए थे।